नमस्कार। इतिहास जो कि हमें हमेशा हमारे समाज, हमारे कल्चर और हमारी प्राचीनता से हमें रूबरू कराता है। हर जगह का एक अपना इतिहास होता है। आज मैं आपको बिहार के सिमुलतला विलेज के बारे में बताऊंगा। ये जगह जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसे लोग मिनी शिमला के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर एक इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सिमुलतला विलेज को कोठियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ आप एक से बढ़कर एक कोठियाँ देखेंगे जो कि इस जगह की महत्व को दर्शाता है। सिमुलतला अंग्रेजों के समय का एक हेल्थ रिसोर्ट था। यहाँ पे अंग्रेज अपनी वेकेशंस या हंटिंग या फिर थोड़ा नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आया करते थे। यहाँ पे आपको रविंद्रनाथ टैगोर, उस समय के जनरल वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्वीन ऑफ ढाका और बहुत से इम्पोर्टेंट पर्सन्स का कोठी देखने को मिलेगा। और ये चीज़ इस जगह के महत्व को दर्शाता है, इसके इतिहास को दर्शाता है। लेकिन अभी के समय में यहाँ पे जितने भी कोठियाँ हैं ये सारे खंडहर में तब्दील हो गई हैं। मेरा बस ये कहना है कि आखिर क्यों इस पूरा प्राचीन चीज़ों को संजोया नहीं जा रहा है, क्यों इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अगर हम चाहें तो इस जगह को बिहार का एक मेन टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। टूरिस्ट उस जगह पर ज़्यादा जाते हैं जहाँ की कनेक्टिविटी सही होती है, जहाँ पर सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अगर ऐसे हम अपने प्राचीनता को खोएंगे तो क्या बिहार को एक इकोनॉमिकल बूस्ट मिल पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। सो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए और आई थिंक बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे प्राचीन जगहों को हम एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करके इस जगह की महत्व को बढ़ाएं। तो ये था सिमुलतला शहर का इतिहास और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।